नमस्कार। ये कहानी एक अद्भुत महिला की है जिनकी नाम मैंने रखा सत्यरूपा, और उनके नाम मैंने सत्यरूपा क्यों रखा यही बताते हुए ये कहानी आगे बढ़ रहा है। सत्यरूपा एक सरकारी बहुत बड़ा हॉस्पिटल में काम करती है, और उनकी शब्द में वो जच्चा बच्चा डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अभी हमने आपको कह रखा, बाद में इसके प्रयोग होगा। फिलहाल कहानी जैसे शुरू होते हैं एक बच्चे की तरह, फिर बढ़ते बढ़ते किशोर, फिर बढ़ते बढ़ते प्राग जौवन, जौवन फिर धीरे 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 वार्धक की तरफ जाते, फिर कहानी खत्म हो जाते हैं। ऐसा इस कहानी में भी विभिन्न समय के अंतराल कहानी को आगे बढ़ाया मैंने। कहानी शुरू करते हैं, सत्यरूपा की कहानी। दिल्ली की भीषण गर्मी में मैं एक बस स्टॉप में इंतज़ार कर रहा था, और बस स्टॉप पे पीठ पे जो दीवार लगा हुआ है उसके अंदर सरकारी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। गर्मी की दोपहर लगभग 12:30 बज चुके हैं, तो रास्ता ऑलमोस्ट खाली। मैं किसी बस के लिए इंतज़ार नहीं कर रहा था, कह सकते कि मैं टाइम पास कर रहा था। मुझे अच्छा लगता है ऐसे शहर की बीचों बीच एक निर्जन स्थान बना लेना और फिर देखते रहना लोगों को। ऐसे मैं देख रहा था, एकाएक देखा कि एक महिला आके हमारे साथ बैठ गए बस स्टैंड की बेंच पे, जो लोहे की बेंच रखा हुआ, और मेरे से पूछा कि फलाना नंबर बस यहाँ से अभी गए क्या। अरे भाई, मैं तो बस नहीं देख रहा था। मैंने उनको जवाब में कहा कि नहीं, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने थोड़ा गुस्से ला के उन्होंने कहा, तू यहाँ क्यों बैठे हो। मैंने कहा, बस आपसे मिलना था इसलिए बैठे हैं। तो हंस पड़े, बोले पागल तो नहीं हो। मैंने कहा, बेशक कोई सन डाउट है आपको, नहीं तो इतनी गर्मी में यहाँ कोई बैठे रहते आपसे मिलने के लिए। बोले नहीं, मजाक छोड़ो, कहाँ जाओगे। मैंने कहा, जहाँ आप जा रहे हैं वहीं हम चलेंगे आपके साथ। बोले नहीं, मैं तो समल गांव जा रही हूँ। मैंने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, समल गांव ही जाना है मेरे को। तो महिला ने कही, क्या ए, 3-व्हीलर ले ले। मैंने कहा, हाँ ले लीजिएगा, लेकिन एक कंडीशन है, पैसा मैं दूंगा। तो बोले, अच्छा ठीक है, फिर फ्री में हम चले चलेंगे सामल गाँव। मैंने कहा जी। तो हम दोनों 3-व्हीलर पर बैठे। उन्होंने, मैडम ने बतला दिया कि भाई ले चल सामल गाँव। तब मुझे मालूम पड़ा कि सामल गाँव नामक एक जगह दिल्ली में है, वो भी साउथ दिल्ली में, वो भी लोधी रोड में। मुझे नहीं मालूम था। तो वहाँ जब पहुँचे तो बड़ा बड़ा रास्ता क्रॉस करने के बाद एक पतला सा रास्ता आ गए, फिर छोटा रास्ता आए। बोले ये मेरे सरकारी क्वार्टर है। मैंने कहा, चलो बहुत अच्छी बात। तो वो उतरे, मेरे से कहा, आपको जहाँ है वहाँ जाना है वहाँ चाहो। मैंने रिक्शा वालों को पैसा दे दिया, 3-व्हीलर वाले को पैसा दे दिया, और बोले नहीं, मेरे को तो यहाँ ही आना था। तो बोले, अच्छा पागल और बेवकूफ हो, किसके घर जाना है। मैंने कहा, नहीं बस आपसे बात हो गया, आपको यहाँ तक पहुँचा दिए, फिर मैं पैदल जाके बस स्टॉप में बैठ जाऊँगा अपने आप, फिर कहीं और चला जाऊँगा। तो हंसते हुए बोले, तो तुम 3-व्हीलर चलाने की नौकरी क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा, चलाना नहीं आता ना, तब तक 3-व्हीलर जा चुके। इतनी वार्तालाप के बाद उन्होंने कहा कि तो मैं चलूँ। मैंने कहा, मैं तो हाँ नहीं कहूँगा। बोले, तो एक काम करो, मेरे साथ आओ, मेरे पास फजूल समय खराब करने की समय नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। मैंने कहा, अच्छा चलो। तो
तो बोले तुम्हें ले तो जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे वो नहीं है, बैठने के अरेंजमेंट ठीक नहीं है, पता नहीं तुम्हें कैसा लगे। मैं कहा कोई बात नहीं, वो आपको दरवाजा तक पहुँचा के फिर आ जाऊँगा, फिर बस स्टॉप पे जाके बैठ जाऊँगा। उन्होंने कहा अच्छा चलो आ जाओ। तो उन्होंने अपने क्वार्टर की, फर्स्ट फ्लोर की क्वार्टर था उनका, एक सरकारी क्वार्टर की अद्भुत डिस्क्रिप्शन है वो जो मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ। तो उन्होंने वो दरवाज़ा खोला, खोलने के बाद जो दृश्य मैंने देखा, भगवान करे ऐसा दृश्य कोई ना देखे, मैं इसको स्वर्ग कहूँगा ये नरक, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। एक पल के लिए पूरी ब्रह्मांड मेरे सामने घूमने लगे, मुझे लग रहा था कि ये दृश्य कतई कोई अच्छे दृश्य नहीं है। कुछ एक पल मैं स्तंभित रहा। उस समय उस महिला ने कहा क्या हुआ, अंदर आओ, ये चारपाई के पास साथ जो मूड़ा है उसमें बैठ लो। मैंने कहा नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और आज के बाद कभी मैं बस स्टॉप पे नहीं बैठूंगा, क्योंकि बाई चांस दोबारा अगर आपसे मुलाकात हो जाए तो मैं पता नहीं क्या करूँगा। बोले क्या है, ये दृश्य देख के तुम इतने घबरा गए? अरे ये सब इंसान के बच्चे हैं और जीवित है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो, बैठो यहाँ पे। छोटा सा एक चारपाई जिसमें एक जन सो सकते हैं, सिंगल बेड, और जमीन पे कुछ कपड़े अपड़े बिछा के एक बेड बना हुआ है, जिसमें मैं गिन नहीं पा रहा था, लेकिन जो नज़र में आया था वो करीब वहाँ पे 7 इंसान के बच्चे पड़ा हुआ था, सबकी आंखें बंद। और उस समय मैं, मेरा कोई अनुभव नहीं था कि वो कितने दिन के बच्चे हैं, कितने उम्र है इन लोगों की। मुझे लग रहा था वो बिल्कुल सद्य प्रसूत बच्चे हैं, 2-3 दिन के बच्चे हैं। मैंने कहा ये सब बच्चे आपको कहाँ से मिलता, ये सब इंसान के बच्चे यहाँ पे इतने और सब जीवित हैं? उन्होंने कहा जी, और इनको जिंदा रखने के लिए ही तो मैं इन लोगों को यहाँ ले आया। मैंने कहा भाई मैं जानना तो नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि जितना मैं आपसे बात करूँगा उतना ही मेरे कष्ट बढ़ते जाएगा, लेकिन एक प्रश्न मैं करना चाहूँगा कि इतने बच्चे आप कहाँ से ले आते हो? बोले अरे इनकी माँ बाप भी है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? लेकिन बाप भाग लेते हैं जब बच्चा पेट में आ जाते हैं, और गांव देहात से लड़कियां आते हैं इस हॉस्पिटल में, बच्चे को हत्या करने के लिए, गर्भपात कराने के लिए, और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। भाई भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारे शरीर के भीतर अगर कोई इंसान बड़ा हो रहा है, तुम्हें इसको हत्या करने की कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारी कोई और मजबूरी है बताओ, हम ठीक कर देंगे। ये बात कह के कुछ लड़कियों को मैं कन्विंस कर पाता हूँ, और उन लोगों की संतान ये है। इनके सामने और कोई उपाय नहीं था, ये तो खुद आत्महत्या कर ले, और नहीं तो कहीं जाके ये बच्चा प्रसव करे और जीवित अवस्था में कुएं में फेंक दे, जमीन के नीचे गाड़ दे, नमक खिला दे, गला दबा दे, इससे अच्छा है मैं उन बच्चियों को कहता हूँ कि नहीं ऐसा मत करो, मेरे घर आके रुको, और जब तक एक साधारण माध्यम से बच्चा पैदा ना हो तब तक रुको, उसके बाद तुम्हारे ऊपर है। अगर बच्चे को ले जाना चाहते हो किसी और जगह, पालना चाहते हो तो पाल लेना बच्चों को, और नहीं तो मेरे को दे जाओ। भाई
बहुत काम करना होता है। मेरे पास करीब 200-250 लोगों की ठिकाना है, फ़ोन नंबर है, नाम है। वो लोग बच्चे के लिए तरसते हैं। अब यूँ तो वो हिसाब से जाके अगर बच्चा ले किसी आश्रम से, बहुत लंबा पड़ जाता है, लेकिन इन सब बच्चों को हम अपने हिसाब से, इन माँ बाप जो बच्चे चाहते हैं उनको दिए देता हूँ, और बदले में जो श्रद्धा के साथ वो लोग पेश करते हैं, जो पैसा मिलता है, वो सारे पैसा मैं उन लड़कियों को दिए देता हूँ। उन लड़की जो पैसा लेते हैं, पहले बार तो पैसा लेना ही नहीं चाहते हैं, उससे कुछ पैसा हमें देते, कुछ लड़की तो सारे पैसा ही हमें दिए देते हैं। और मैं इसलिए ये पैसा लेके रखता हूँ क्योंकि ये पैसा लेने से मैं फिर इसको बैंक में डाल देती हूँ, और वहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा उठा के इन लड़कियों की बिन बिहाए माओं को खाना खिलाता हूँ, कहीं कोई काम में लगा देता हूँ, किसी और शहर में भेज देती हूँ, और अगर वो बच्चे ले जाना चाहते ले जाए, नहीं तो मेरे पास रहते हैं ये बच्चे। फिर धीरे धीरे हम ये वितरण प्रक्रिया चालू रखते हैं। और यकीन मानो, तुम्हारे सामने सारे बात कहने के बाद ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं मेरे सरकारी तनख्वाह से ही घर चला लेता हूँ, इनमें से मेरा कोई लाभ नहीं होता। लेकिन मेरा एक कष्ट है जिसके कारण मैं ये सेवा करता हूँ लोगों की, कि मैं करीब 4 दिन की जब मेरा उम्र था तब मैं एक खेत में पड़ा हुआ था, मेरे को फेंक के गया था। कौन मेरे माँ बाप है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय एक दयालु व्यक्ति ने मेरे को बचाया था। केवल बचाया नहीं था, 8वीं तक पढ़ाया था। उसके बाद मैं अपना लोगों के घर में काम करना शुरू किया, खुद पढ़ा, पढ़ते पढ़ते कुछ थोड़ा बहुत पास पूछ भी कर लिए, और आज मैं सरकारी अस्पताल में एक दाई की काम करता हूँ। वो दाई की काम करती हूँ, और मुझे लगता है कि ये कर्तव्य मेरा है कि ऐसे अनाथ बच्चों को थोड़ा सहारा दे दे। क्या मालूम, शायद इन्हीं में कोई रविंद्रनाथ बैठे, इन्हीं में कोई गांधी जी बैठे हैं। बच्चे तो सब एक ही होते हैं ना। मैं ये सारे बात एक मूर्तिवत होकर सुन रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, केवल ये लग रहा था कब भागूं यहाँ से। फिर मैं वहाँ से चलने के लिए उठा। उस महिला ने, मैडम ने मेरे को बतलाया कि ये मेरे ऑफिस का फ़ोन नंबर है, अगर कोई बंदा मिले जो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करा देना, और आपको देख के लग रहा है कि आप अच्छे इंसान हो, अगर आप कोई बच्चा लेना चाहते हो तो आपके लिए फ्री में दे देंगे, और नहीं तो मैं लोगों से थोड़ा बहुत पैसा तो मांग ही लेता हूँ, दे जाऊँगा। एक छोटा सा बच्चा, इंसान की बच्चा। मैंने कहा नहीं, मैंने घबराते हुए कहा नहीं, मैं कैसे पालूं, मैं अकेले रहता हूँ और मेरे पास कोई मुश्किल है। ये कहते हुए किसी तरह मैं नीचे चला आया। फिर जिंदगी आगे बढ़े, बहुत साल हो गए, लेकिन हर रोज़ वो दृश्य, वो शब्द जो हमने सुना, उस लड़की, उस मैडम, सारे बात याद आते रहते हैं। दंशन, रोज ये दंशन करते हैं मेरे को। खैर, आने से पहले मैंने उनको कहा कि शायद दोबारा कभी ना मिले, आपके नाम बता दो। बड़े जोर से हंस पड़े, बोले नाम से क्या करोगे, जो मर्जी नाम रख लेना। सीढ़ी से आते आते मैंने कहा, मैं कभी तुम्हारे बारे में कहीं बात करूं तो क्या मैं तुम्हारे नाम सतरूपा
रख सकता हूँ। उन्होंने कहा जो मर्जी रख लेना,